ओवैसी ने पीएम मोदी से लगाई ऐसी गुहार, सुनकर सारे मुस्लिम हो गए हैरान। इसराइल के विरोध में ओवैसी ने लगाए नारे, फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में दुनिया दो घड़ों में बट गई है। कुछ देश इसराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन का। इसी तरह का माहौल भारत में भी देखने को मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम में AIMI के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। AIMIM नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से फिलिस्तीन के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। इसराइल हमास युद्ध को लेकर वो लगातार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उनका कहना है कि इसराइल की सेना गाजा में जुल्म कर रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि युद्ध रोकने के लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए। इसराइल गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है। सभा में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे के साथ उनके समर्थन में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो महात्मा गांधी की बात को याद रखे, जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का, उस तरह फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक अन्य वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, फिलिस्तीन के उन बच्चों को सलाम जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारा ए तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।